जनपद में बहने वाली तीनों नदियां रोहिन, घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के कई तटबंधों में रिसाव होने के कारण बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर राहत कार्यों में जुटा हुआ है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से राजघाट स्थित दोनों तरफ के रामघाट व गुरु गोरक्षनाथ घाट डूबने के कगार पर है। राप्ती नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर सुबह 11 बजे 76.830 के करीब पहुंच गया था, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दो नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रयागराज और अयोध्या से अतिरिक्त नावें मंगवाई गई हैं। उम्मीद है कि एक सप्ताह में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, वर्तमान में जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही चढ़ाव पे हैं, पानी बढ़ा हुआ है। हमारे 200 से अधिक गांव प्रभावित हैं, लगभग 300 नावें लगाई गई हैं और नावों की कमी पड़ रही थी, बड़ी नावों की, तो उनको प्रयागराज और अयोध्या से मंगाया गया है। स्थिति नियंत्रण में है, राहत सामग्री का वितरण हो रहा है और आशा है कि अगले एक सप्ताह तक नदियों का उतार हो जाएगा और बाढ़ से हमें निजात मिल पाएगी। सर, जो बाढ़ चौकियाँ बनाए गए हैं उनको, जो बाढ़ प्रभावित उनको स्थापित किया जा रहा है वहाँ पे, उनके लिए वहाँ क्या है? हमने बाढ़ शरणालय बनाए हुए हैं, जो लोग डूब क्षेत्र में जिनका घर डूब गया है उनको राहत कैंपों में ला करके रखा जा रहा है। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था है, सभी को एक राशन किट दी जा रही है राज्य सरकार की ओर से और जनपद में अब तक 20,000 से ऊपर राशन किट डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। निर्देश है और ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है कि अभी राशन किट की और भी आवश्यकता है, तो इसका वितरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नेशनल हाईवे सोनोली रोड पर भी पानी आ गया सड़क पे। वो पानी पूर्व वर्षों में भी थोड़ा पानी आता था, चूँकि यहाँ लू लैंड है, लू लैंड में पानी आ जाता है, परंतु उसको लेकर के कोई ऐसी समस्या नहीं है। सर, कुछ अफवाह है कि तटबंध कुछ टूटे हुए, क्या तटबंध कुछ टूटे? नहीं नहीं, कोई भी तटबंध नहीं टूटा हुआ है, चूँकि पानी इतना बरसा है इसलिए तटबंधों में सीपेज होता है। जहाँ जहाँ से सीपेज की सूचना मिल रही है, तत्काल उस पर नियंत्रण करने के लिए इरीगेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। कल रात कमिश्नर साहब, डीएम साहब भी रात 3 बजे तक कर महा बांध पर रहे और सभी जगह लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। सर, कुछ लोग भयभीत हैं तो उनके लिए कुछ अपील करेंगे? हाँ, कोई भी भयभीत ना हो, प्रशासन मुस्तैद है, इरीगेशन डिपार्टमेंट मुस्तैद है। कोई भी बात हो तो मेरे नंबर पे और कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दी जा सकती है। हर जगह लेखपाल तैनात हैं, बाढ़ चौकियाँ तैनात हैं और किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।